26 जनवरी पूरे देश में उत्साह है, हर जगह झंडा तोलन किया गया है। राजद जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका प्रदेश कार्यालय बीरचंद पटेल पथ पे अभी हम खड़े हैं। पार्टी का प्रदेश कार्यालय का मुख्य गेट है जिस पर लिखा है कि राज्य कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल बिहार। मुख्य गेट पे ताला लगा हुआ है और इसी तालाबंदी के वजह से बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज नाराज हो गए हैं अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे, पार्टी के नेताओं पे। तेज प्रताप यादव जब पार्टी कार्यालय पहुँचे तो उन्होंने देखा कि गेट बंद है, उसके बाद वह गेट के बाहर अपनी गाड़ी लगाई और पार्टी नेताओं को फ़ोन करना शुरू किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी बात नहीं हुई, दूसरे नेता से बात हुई। आनन फानन में मुख्य गेट के जो दूसरा दरवाज़ा है उसे खोल दिया गया। तेज प्रताप आए अंदर और सीधे तौर पे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ हमला बोला कि पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इस दिन सभी राज्य के जो भी सरकारी कार्यालय हैं भले ही वहाँ काम नहीं होता है लेकिन उसका जो गेट है खुला रहता है। राजद जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसके कार्यालय बंद क्यों है? उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन आता हूँ, जनता दरबार लगाता हूँ, ऐसे में आज के दिन तालाबंदी बड़ा सवाल है। इसकी शिकायत वह अपने छोटे भाई नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव से करेंगे। तेज प्रताप का गुस्सा यहीं नहीं रुका, वह लगातार पार्टी के नेताओं पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जब पार्टी के लोग मेरी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, मेरे कामकाज करने से घबरा गए हैं, लिहाजा इस तरीके के हरकत कर रहे हैं, जिनको पार्टी में रहना है रहे, अन्यथा कहीं और जाए। इस बात की शिकायत वो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव से करेंगे कि पार्टी में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। तेज प्रताप यादव का आज का गुस्सा, जाहिर सी बात है कि आज बड़ा मुद्दा है कि आखिर अपने ही पार्टी कार्यालय के जो पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ तेज प्रताप को एक बार फिर से उनके सामने आना पड़ा, उनकी कार्यकारी उनके कार्यकाल पर सवाल उठाना पड़ा। सहयोगी रवि मिश्रा के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।